नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर अंबाला शहर से आ रही है, जहां पर अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बस और ट्रक के बीच दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 14 से 15 लोग घायल हैं, जिसके बाद ट्रक को अंबाला शहर के बलदेव नगर थाने ले जाया गया। देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये पंजाब नंबर का ट्रक है, जिसके पीछे रोडवेज की बस ने, नवां शहर रोडवेज की ये बस थी, उसने पीछे से आकर इस ट्रक को टक्कर दे मारी, जिसके बाद 14 लोग जो हैं वो घायल हो गए। हालांकि 4 की हालत जो है वो उसमें नाजुक बताई जा रही है, बाकियों को काफ़ी चोटें लगी हैं, जिनका इलाज जो है वो अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन मरीजों का इलाज अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर जो हैं उनका ये कहना है कि इनमें से 4 लोग जो हैं वो ज़्यादा घायल हैं, बाकी जो लोग हैं हालांकि उन्हें कम चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं मरीजों के पास जो चोटिल हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्हें ये चोटें आई हैं। क्या नाम है भैया? अमन शर्मा है। कैसे हुआ आपसे? सर, पंजाब रोडवेज की बस दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही थी, नियर अंबाला हाईवे पे एक ट्रक के साथ बस ने पीछे से हिट किया। ट्रक आइदर तो स्लो स्पीड में था या खड़ा हुआ था, बट वो रोड के साइड में था। सर, आप लोग को क्या लगता है, आपको ड्राइवर को नींद आ गई है? सर, जैसे ही ट्रक रोड के साइड में था तो ऑब्वियसली या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। गुरसेव सिंह जी। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? दिल्ली से आ रहे थे तो चंडीगढ़ नवा शहर। हाँ जी, हाँ जी। किस रोडवेज की बस है? रोडवेज नवा शहर डिपो की है, पंजाब रोडवेज नवा शहर। आगे ट्रक खड़ा था, ट्रक के गड्डी लगी है पीछे, एकदम उसने ब्रेक मारी, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो पीछे पीछे था। वो तो उसके लत्ता में पाँव में लगी हुई है जी, सट लगी हुई है। कितनी सवारियाँ थी? 26-27 सवारी होनी है। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में हमने उन मरीजों से बात की जो चोटिल हुए हैं, हमने आपको सुनवाया कंडक्टर का क्या कहना है। और आइए अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से जो इनका इलाज कर रहे हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है और कुल कितने लोग घायल हैं। हमारे पास अभी जंडली ब्रिज के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, और हमारे पास अराउंड 15-20 पेशेंट्स के अराउंड अप्रॉक्स आए हैं, जिसमें से 4 पेशेंट्स थोड़ा क्रिटिकल हैं, जिसमें से एक बस ड्राइवर है जिसके रिफ्रैक्चर के हमें लग रहा है, अंदेशा लग रहा है रिफ्रैक्चर, और पेट में भी इंजरी लग रही है। अभी हम पहले उपचार कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद रेफर करें। बाकी यहाँ पे हमने अपना रैपिड रिस्पांस टीम को अरेंज किया और मैनेज किया हमने यहाँ पे सबको। बहरहाल अंबाला पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर अंबाला शहर के बलदेव नगर थाने में खड़ा कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। ये जंडली पुल के ऊपर हुआ है, बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 10-12 लोग इंजर्ड हैं। ड्राइवर बस का वो हमारे पास है, इसका ट्रक का, और बस गाड़ी को एक्सीडेंट में चोट लगी है, जांच चल रही है अभी। क्या कार्रवाई कर रहे हो? अभी जांच चल रही है। पता लग पाया प्राथमिक तौर पे कि क्या हुआ होगा? ये तो अभी बातचीत करके ही पता लगेगा, अभी ड्राइवर से बातचीत करेंगे ना। तो ये सीधी तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ। अंबाला से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमें हमारे यूट्यूब चैनल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हम आपको अंबाला से जुड़ी ऐसी ही खबरें देते रहेंगे।